नमस्कार, धर्मचक्र में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ प्रियंका उपाध्याय। धर्मचक्र में आज हम जानेंगे संकट का तुरंत कैसे करते हैं समाधान, 10 महाविद्याए, साथ ही बताएंगे 10 महाविद्या के स्वरूपों और शक्तियों को, साथ ही साथ जानेंगे नवरात्रि के छठे दिन का क्या है महत्व। तो चलिए आइए शुरू करते हैं धर्मचक्र। चक्र, तो संकट का तुरंत कैसे करते हैं समाधान, 10 महाविद्याएं और 10 महाविद्या के स्वरूपों तथा शक्तियों को जानने के लिए चलते हैं पंडित वैभवनाथ शर्मा जी के पास। नमस्कार, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं धर्मचक्र। आज के इस खास एपिसोड में हम लोग जानेंगे 10 महाविद्या के स्वरूपों तथा उनकी शक्तियों को। 10 महाविद्या के बारे में हमने आपको इससे पहले भी कुछ जानकारी दी, वो थोड़ा संक्षिप्त रूप में थी, लेकिन आज हम लोग बहुत विस्तृत रूप में 10 महाविद्या के अलग अलग स्वरूपों और उनकी शक्तियों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। त्रिगुणात्मक शक्ति रूपी नव दुर्गा की एक और विशेषता है जो उनके आध्यात्मिक स्वरूप में 10 महाविद्याओं के रूप में विराजमान है। ब्रह्मा जी के पुत्र दत्तात्रेय ने तंत्र शास्त्र के निगमागम ग्रंथों की रचना करते हुए महिषासुर मर्दिनी और सिद्धिदात्री देवी भगवती के अंदर में समाहित उन 10 महाविद्याओं का वर्णन किया है जिनकी साधना से ऋषि मुनि और विद्वान इस संसार में चमत्कारी शक्तियों से युक्त होते हैं। मार्कंडे पुराण में 10 महाविद्याओं का और उनके मंत्रों का तथा यंत्रों का जो जिक्र, जो वर्णन मिलता है, उसे आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। 10 महाविद्या देवी दुर्गा के 10 स्वरूप कहे जाते हैं। प्रत्येक महाविद्या अद्वितीय रूप लिए हुए प्राणियों के समस्त संकटों का हरण करने वाली होती हैं। 10 महाविद्याओं के नाम क्रमशः इस प्रकार हैं: महाकाली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, षोडशी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। तो आइए इनके स्वरूप के और इनके वर्णन तथा इनकी शक्तियों के बारे में हम लोग जानकारी करते हैं। स्वरूप के अनुसार जिस क्रम में ये आते हैं उनके बारे में हम जानकारी करते हैं। सबसे पहले देवी काली। देवी काली को माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं में से एक माना जाता है। देवी काली शक्ति का स्वरूप है। देवी काली काल और परिवर्तन की देवी मानी गई हैं। तंत्र साधना में तांत्रिक देवी काली के रूप की उपासना किया करते हैं। देवी काली को भवतारिणी अर्थात ब्रह्मांड के उद्धारक के स्वरूप में प्रतिष्ठित किया जाता है। तंत्र शास्त्र में देवी काली की उपासना सर्वोत्कृष्ट है, इनसे संपूर्ण अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। महाविनाशक महाकाली जहां रक्त बीज का वध करती हैं, वहां अपने साधकों को अपार शक्ति देकर के माँ भगवती की कृपा से सबल और सक्षम बनाती हैं। यह कज्जल पर्वत के समान शव पर आरूढ़ मुंडमाला धारण किए हुए, एक हाथ में खड्ग, दूसरे हाथ में त्रिशूल और तीसरे हाथ में कटे हुए मस्तक को यानी सिर को लेकर के भक्तों के समक्ष प्रकट हो जाती हैं। यह महाकाली एक प्रबल शत्रुहंता, महिषासुर मर्दिनी और रक्त बीज का वध करने वाली शिव प्रिया चामुंडा का साक्षात स्वरूप है, जिनसे देव दानव युद्ध में देवताओं को विजय दिलवाई थी। इसके बाद क्रम आता है देवी तारा का। 10 महाविद्याओं में से माँ तारा की उपासना तंत्र साधकों के लिए सर्व सिद्धि कारक मानी जाती है। देवी तारा को सूर्य प्रलय की अधिष्ठात्री देवी का उग्र स्वरूप माना जाता है। जब चारों ओर निराशा ही निराशा व्याप्त हो तथा विपत्ति में कोई राह ना दिखे, तब माँ भगवती तारा के रूप की उपस्थिति होती है तथा भक्त को विपत्ति से मुक्त करते हैं। उग्र तारा, नील सरस्वती और एक जटा इन्हीं के अलग अलग स्वरूप हैं। शत्रुओं का नाश करने वाली सौंदर्य और रूप ऐश्वर्य की देवी तारा आर्थिक उन्नति और भोग दान करने वाली और उसके साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति के लिए सहायक देवी मानी जाती हैं। देवी तारा ब्रह्मांड नायिका एवं राजराजेश्वरी हैं। सृष्टि का समस्त ज्ञान शून्य आकाश में केंद्रित है और देवी तारा इसी शून्य में अवस्थित कही गई हैं।
माँ तारा परारूपा हैं एवं महासुंदरी काल कला रूपा हैं तथा देवी तारा सबकी मुक्ति का विधान रचती हैं। शत्रुओं का नाश करने वाली सौंदर्य और रूप ऐश्वर्य की देवी तारा आर्थिक उन्नति और भोगदान और उसके साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही जानी जाती हैं। भगवती तारा के तीन स्वरूप हैं, तारा, एक जटा और नील सरस्वती। चैत्र मास की नवमी तिथि और शुक्ल पक्ष के दिन तारा रूपी देवी की साधना करना तंत्र साधकों के लिए सर्व सिद्धि कारक माना जाता है। तारा महाविद्या के फलस्वरूप व्यक्ति इस संसार में व्यापार, रोजगार और उसके साथ साथ ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण विख्यात यश वाला प्राणी बन सकता है। इसके बाद बारी आती है माता ललिता की। माता ललिता के तीन स्वरूप कहे गए हैं, षोडशी अथवा त्रिपुर सुंदरी। देवी ललिता जी को त्रिपुर सुंदरी अथवा षोडशी के नाम से भी जाना जाता है। इन तीनों में ही तीन पूरक विधाएं निकलती हैं तथा मूलभूत में जो इनके मूल में विद्या है वह श्री विद्या ही होती है। यह गौर वर्ण की रक्तिम कमल पर विराजित है। ललिता देवी की पूजा से समृद्धि की प्राप्ति होती है। दक्षिण मार्गी शास्त्रों के मतानुसार देवी ललिता को चंडी का स्थान प्राप्त है। इनकी पूजा पद्धति में ललितोपाख्यान, ललिता सहस्त्रनाम, ललिता त्रिशती का पाठ किया जाता है। दुर्गा का एक रूप ललिता के नाम से जाना गया है। शांत और उग्र दोनों की रूपों में माँ त्रिपुर सुंदरी की साधना आराधना की जाती है। त्रिपुर सुंदरी के अनेक स्वरूप हैं, मसलन सिद्धि भैरवी, रुद्र भैरवी, कामेश्वरी इत्यादि। जीवन में काम और सौभाग्य के साथ साथ शारीरिक सुख के साथ वशीकरण, आरोग्य सिद्धि के लिए इन देवी की आराधना की जाती है। कमल पुष्पों से होम करने से धन संपदा की प्राप्ति होती है। मनोवांछित वर या कन्या से विवाह होता है। वांछित सिद्धि और मनोभिलाषा पूर्ति सहित व्यक्ति दुखों से रहित और सर्वत्र पूज्य होता है। 16 अक्षरों के मंत्र वाली माता की अंग कांति उदीयमान सूर्यमंडल की आभा की भांति होती है। इनकी 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं। षोडशी माता को श्री विद्या भी माना गया है। यह साधक को युक्ति और मुक्ति दोनों ही प्रदान करती हैं। इनकी साधना करने से षोडश कला निपुण संतान की प्राप्ति होती है। जल, थल और नभ में उसका वर्चस्व कायम होता है। इसके बाद बारी आ जाती है माता भुवनेश्वरी की। माता भुवनेश्वरी सृष्टि के ऐश्वर्य की स्वामिनी देवी बताई जाती हैं। चेतनात्मक अनुभूति का आनंद इन्हीं में है। गायत्री उपासना में भुवनेश्वरी जी का भाव निहित है। भुवनेश्वरी माता के एक मुख 4 हाथ हैं और चारों हाथों में गदा शक्ति एवं दंड व्यवस्था का प्रतीक है। आशीर्वाद मुद्रा प्रजापालन की भावना का प्रतीक है। यही सर्वोच्च सत्ता की प्रतीक है। विश्व भुवन की जो ईश्वर है वही भुवनेश्वरी है। इनका वर्ण श्याम तथा गौर वर्ण है। इनके नख में ब्रह्मांड का दर्शन होता है। माता भुवनेश्वरी सूर्य के समान लाल वर्ण युक्त दिव्य प्रकाश से युक्त हैं। माता के मंत्रों का जाप साधक को माता का आशीर्वाद प्रदान करने में सहायक होता है। इनके बीज मंत्र को समस्त देवी देवताओं की आराधना में विशेष शक्तिदायक माना जाता है। इनके मूल मंत्र और पंचाक्षरी मंत्र का जाप करने से समस्त सुखों एवं सिद्धियों की प्राप्ति होती है। आदिशक्ति भुवनेश्वरी भगवान शिव की समस्त लीला विलास की सहचरी बताई जाती हैं। माता का स्वरूप सौम्य एवं अंग कांति अरुण है। भक्तों को अभय एवं सिद्धि प्रदान करना इनका स्वाभाविक और नैसर्गिक गुण है। इस महाविद्या की आराधना से जहां साधक के अंदर सूर्य के समान तेज और ऊर्जा प्रकट होने लगती है वहीं वह संसार का सम्राट भी बन सकता है। इसको अभिमंत्रित करके लक्ष्मी वर्षा होती है। अगर इनकी सिद्धि कर लें तो उस जातक के ऊपर लक्ष्मी वर्षा होती है और संसार के सभी शक्ति स्वरूप महाबली उसका चरण स्पर्श करते हैं। अब क्रम आ जाता है माँ त्रिपुर भैरवी का। माँ त्रिपुर भैरवी तमोगुण एवं रजोगुण से परिपूर्ण है। माँ भैरवी के अन्य 13 स्वरूप हैं। इनका हर रूप अपने आप में अन्यतम है। माता के किसी भी स्वरूप की साधना साधक को हर प्रकार से सार्थक और सामर्थ्यवान बना देती है। माँ त्रिपुर भैरवी कंठ में मुंड माला धारण किए हुए हैं। माँ ने अपने हाथों में माला धारण कर रखी है। माँ स्वयं साधनामय है। उन्होंने अभय और वर मुद्रा धारण कर रखी है जो भक्तों को सौभाग्य प्रदान करती है।
माँ ने लाल वस्त्र धारण किए हैं, माता के हाथ में विद्या तत्व है, माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा में लाल रंग का उपयोग किया जाना लाभदायी होता है। भागवत के अनुसार महाकाली के उग्र और सौम्य दो रूपों में अनेक रूप धारण करने वाली 10 महाविद्याएं हुई हैं। भगवान शिव की यह महाविद्याएं सिद्धियां प्रदान करने वाली बताई जाती हैं। इसके बाद क्रम आ जाता है छिन्नमस्तिका का। 10 महाविद्याओं में छिन्नमस्तिका माता छठी महाविद्या कहलाती है। छिन्नमस्तिका देवी को माँ चिंतापूर्णी के नाम से भी जाना जाता है। मार्कंडेय पुराण व शिव पुराण आदि में देवी के इस रूप का विशद वर्णन प्राप्त होता है। इनके अनुसार जब देवी ने चंडी का रूप धारण करके राक्षसों का संहार किया, दैत्यों को परास्त करके देवों को विजय दिलवाई, तो चारों ओर उनकी जय 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 घोष होने लगी। परंतु देवी की सहायक योगिनियाँ जो थीं अजया और विजया की रुधिर पिपासा शांत नहीं हो पाई थी। इसी पर उनकी रक्त पिपासा को शांत करने के लिए माँ ने अपना मस्तक काट करके अपने रक्त से उनकी पिपासा को बुझाया। इसी कारण माता को छिन्नमस्तिका नाम से पुकारा जाता है। इनका जो छिन्नमस्तिका का स्वरूप है ये तभी आया। विश्व की वृद्धि और उसका ह्रास सदैव होता रहता है। जब निर्गम अधिक और आगम कम हो जाता है तब छिन्नमस्तिका माता का प्राधान्य होता है। माता का स्वरूप अत्यंत गोपनीय है। चतुर्थ संध्या काल में माँ छिन्नमस्तिका की उपासना से साधक को सरस्वती सिद्ध हो जाती है। कृष्ण और रक्त गुणों की देवियां इनकी सहचरी बताई जाती हैं। पलाश और बेल पत्रों से छिन्नमस्तिका महाविद्या की सिद्धि की जाती है। इससे प्राप्त सिद्धियां मिलने से लेखन और कवित्व की शक्ति में वृद्धि होती है। शरीर रोगों से मुक्त हो जाता है, शत्रु परास्त होते हैं। योग ध्यान और शास्त्रार्थ में साधक को संसार में ख्याति प्राप्त होती है। अब इसके बाद बारी आती है माता धूमावती की। धूमावती देवी का स्वरूप बड़ा ही मलिन और भयंकर प्रतीत होता है। देवी का स्वरूप चाहे जितना उग्र क्यों ना हो, वह संतान के लिए कल्याणकारी ही होता है। माँ धूमावती के दर्शन से अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। नष्ट और संहार करने की सभी क्षमताएं देवी में निहित है। ऋषि दुर्वासा, भृगु, परशुराम आदि की मूल शक्ति माता धूमावती ही है। सृष्टि कलह की देवी होने के कारण इनको कलह प्रिया भी कहा जाता है। चौमासा देवी का प्रमुख समय होता है जब देवी का पूजन पाठ किया जाता है। माँ धूमावती जी का रूप अत्यंत भयंकर है। इन्होंने ऐसा रूप शत्रुओं के संहार के लिए ही धारण किया है। यह भयकारक एवं कलह प्रिय है। माँ भक्तों के सभी कष्टों को मुक्त कर देने वाली मानी जाती हैं। माँ धूमावती महाशक्ति स्वयं नियंत्रिका हैं, इनका स्वामी कोई नहीं है। ऋग्वेद में रात्रि सूक्त में इन्हें सुतरा कहा जाता है, अर्थात ये सुखपूर्वक तारने योग्य हैं। इन्हें अभाव और संकट को दूर करने वाली माता भी कहा जाता है। इस महाविद्या की सिद्धि के लिए तिल मिश्रित घी से हवन यज्ञ किया जाता है। धूमावती महाविद्या के लिए यह भी आवश्यक है कि व्यक्ति सात्विक और नियम संयम के साथ साथ सत्य निष्ठा को पालन करने वाला लोभ लालच से रहित हो। इस महाविद्या के फल से देवी धूमावती शुक्री के रूप में प्रत्यक्ष प्रकट होकर के साधक के सभी रोग अरिष्ट और शत्रुओं का नाश कर देती हैं। प्रबल महाप्रतापी तथा सिद्ध पुरुष के रूप में उस व्यक्ति की उस साधक की ख्याति संपूर्ण सृष्टि में हो जाती है। इसके बाद बारी आती है माँ बगलामुखी की। देवी बगलामुखी स्तंभन शक्ति की अधिष्ठात्री देवी हैं। यह अपने भक्तों के भय को दूर करके शत्रुओं को उनकी बुरी शक्तियों का नाश करती हैं। माँ बगलामुखी का एक नाम पीताम्बरा भी है। इन्हें पीले रंग अति प्रिय है। देवी बगलामुखी का रंग स्वर्ण के समान पीला होता है। देवी बगलामुखी 10 महाविद्या में 8वीं महाविद्या है। यह स्तंभन की देवी है। संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति का समावेश इनके अंदर होता है। माँ बगलामुखी शत्रुनाश, वाक सिद्धि, वाद विवाद में विजय के लिए इनकी उपासना की जाती है। इनकी उपासना से शत्रुओं का नाश होता है तथा भक्त का जीवन हर प्रकार की बाधा से मुक्त हो जाता है। बगलामुखी देवी रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजित होती हैं। रत्नमय रथ पर आरूढ़ होकर के शत्रुओं का नाश करती हैं। व्यक्ति रूप में शत्रुओं को नष्ट करने वाली समष्टि रूप में परमात्मा की संहार शक्ति ही
पग ला सकती है। इनकी साधना शत्रु भय से मुक्ति और वाक सिद्धि के लिए की जाती है। पीताम्बरा माता पर विधि विधान के साथ जाप करना चाहिए। दस महाविद्याओं में बगलामुखी सबसे अधिक प्रयोग में लाई जाने वाली महाविद्या शक्ति हैं, देवी हैं, जिनकी साधना सप्त ऋषियों ने वैदिक काल में समय समय पर की है। इनकी साधना से जहां घोर शत्रु अपने ही विनाश बुद्धि से पराजित हो जाते हैं, वहीं साधक का जीवन निष्कंटक तथा लोकप्रिय बन जाता है। इसके बाद बारी आती है देवी मातंगी की। देवी मातंगी दस महाविद्याओं में नौवीं महाविद्या है। यह वाणी और संगीत की अधिष्ठात्री देवी कही जाती हैं। यह स्तंभन की देवी हैं तथा इनमें संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति समाविष्ट होती है। देवी मातंगी दाम्पत्य जीवन को सुखी एवं समृद्ध बनाने वाली शक्ति होती हैं, देवी होती हैं। इनका पूजन करने से गृहस्थ जीवन के सभी सुख प्राप्त होते हैं। माँ मातंगी पुरुषार्थ चतुष्टय की प्रदाता होती हैं, प्रदाता शक्ति हैं, प्रदात्री देवी हैं। भगवती मातंगी अपने भक्तों को अभय का फल प्रदान करती हैं या अभिष्ट सिद्धि प्रदान करती हैं। देवी मातंगी को उच्चिष्ट चांडालिनी या महापिशाचिनी भी कहा जाता है। माता मातंगी के विभिन्न प्रकार के भेद हैं। उच्चिष्ट मातंगी, राज मातंगी, सुमुखी, वैश्य मातंगी, कर्ण मातंगी आदि। यह देवी दक्षिण तथा पश्चिम की देवता बताई जाती हैं, देवी बताई जाती हैं। ब्रह्मयामल तंत्र के अनुसार मातंग मुनि की दीर्घकालीन तपस्या द्वारा देवी राज मातंगी रूप में प्रकट हुई थी। मतंग भगवान शिव का नाम है। इनकी शक्ति मातंगी है। यह श्याम वर्ण और चंद्रमा को मस्तक पर धारण करती हैं। यह पूर्णतया वाग देवी की ही पूर्ति है। चार भुजाएं, चार वेद हैं। माँ मातंगी वैदिकों की सरस्वती बताई जाती हैं। पलाश और मल्लिका के पुष्पों से युक्त बिल्व पत्रों की से पूजा करने से व्यक्ति के अंदर आकर्षण और स्तंभन शक्ति का विकास होता है। ऐसा व्यक्ति जो मातंगी महाविद्या की सिद्धि को प्राप्त करेगा, वह अपने क्रीड़ा कौशल से या कला संगीत से दुनिया को अपने वश में कर सकता है। वशीकरण में भी इस महाविद्या का प्रयोग जो है बहुत कारगर होता है। इसके बाद बात आती है माता कमला की। इनका वर्ण स्वर्ण जैसी आभा देने वाला होता है। गजराज सूंड में स्वर्ण कलश लेकर के माता को स्नान कराते हुए दृश्य में दिखते हैं। कमल पर आसीन हुए माँ स्वर्ण से सुशोभित हैं। सुख संपदा की प्रतीक देवी कमला समृद्धिदायक हैं। इनकी साधना द्वारा साधक धनी और विद्यावान बन जाता है। व्यक्ति को यश और सम्मान की प्राप्ति होती है। चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने वाली माता कमला साधक को समस्त बंधनों से मुक्त कर देती हैं। माँ कमला धन संपदा की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। भौतिक सुखों की इच्छा रखने वाले लोगों को इनकी पूजा आराधना करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कमला की कांति स्वर्ण के समान है। श्वेत वर्ण के चार हाथी सूंड में स्वर्ण कलश लेकर के माता को स्नान करा रहे हैं। कमल पर आसीन कमल पुष्प धारण किए हुए माँ सुशोभित होती हैं। समृद्धि की प्रतीक स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति, नारी पुत्रादि के लिए इनकी पूजा आराधना और साधना की जाती है। इस प्रकार दस महाविद्याएं गति, विस्तार, भरण पोषण, जन्म मरण, बंधन और मोक्ष का प्रतीक है। इस दस महाविद्या की साधना नदी, तालाब या समुद्र में गिरने वाले जल में आकंठ डूब करके की जाती है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति साक्षात कुबेर के समान धनी और विद्यावान होता है। व्यक्ति का यश और व्यापार या प्रभुत्व संसार भर में प्रचारित हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारे धर्मशास्त्रों में दस महाविद्या की महिमा, दस महाविद्या का वर्णन अपरंपार मिलता है। इसका अर्थ यही है कि इस महाविद्या से ऊपर यानी इन शक्तियों से ऊपर कोई दूसरी शक्ति नहीं है। अगर आपको सामर्थ्यवान बनना है तो इनकी पूजा उपासना आपको समय समय पर करते रहना चाहिए, जिससे आपका जीवन, आपका परिवार, आपके इष्ट मित्र रिश्तेदार सब लोग सुरक्षित रहें और आपका जीवन अपरंपार ऐश्वर्य से परिपूर्ण होता रहे। इसी शुभकामना के साथ कि देवी दुर्गा आपका कल्याण करें, मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। चलिए यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद दिखाएंगे नवरात्रि के छठे दिन की होती है माँ दुर्गा के नौ रूपों में से माँ कात्यायनी के रूप की पूजा।